हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल अनम लॉजिक में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हम मीम्स किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों अगर मीम्स बनाना सीखना है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आप थोड़ा भी स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मीम्स बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ऐप होना ज़रूरी है जिसका नाम है पिक्सलैब, जो कि आपको बड़ी आसानी से प्ले स्टोर पर भी आराम से मिल जाएगी। ठीक है, पिक्सलैब नहीं मिलती तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके कर लेना। और कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं चलो बता देता हूं आपको, प्ले स्टोर उसका सैंपल कैसा होता है वो बता देता हूं मैं आपको। यहां पे जाके पिक्सलैब देखिए, ये सर्च कीजिए और इसका सैंपल कुछ इस तरीके से, ठीक है, यह डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डाउनलोड करके रखा है, आपको खाली डाउनलोड ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैक निकलता हूँ और आपका टाइम बिना वेस्ट किए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से करना है करके। तो चलिए हम जाते हैं पिक्सलैब में। पिक्सलैब में जाने के बाद यहाँ पे एक इंपोर्ट का ऑप्शन आता है। इंपोर्ट का ऑप्शन भी कब आएगा मैं वो भी बता देता हूँ आपको। बैक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये एक दो तीसरे ये वाले इस पर देखिए मैंने आपके लिए टिक भी लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा। इंपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक PNG फाइल मैंने ली है। देखो इस तरीके से PNG फाइल मैंने ली है। PNG फाइल किस तरीके से बनाने का है उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को अगर आपको सीखना है कि एक मिनट से कम में आप अपने कोई भी फ़ोटो का PNG किस तरीके से बनाते हैं, और ये फ़ोटो भी मैंने PNG उसी तरीके से बनाया है। ठीक है, तो वो वीडियो भी पहले इस वीडियो को आप कम्प्लीट देख लीजिए, उसके बाद PNG किस तरीके से बनाने का उस वीडियो को अब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस वीडियो को इसके बाद जाके आप ज़रूर देखना, तो आपको PNG बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप मीम्स किस तरीके से बनाओगे। मीम्स बनाने के लिए देखें यहाँ पे टाइप का ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको टाइप करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे जाके इसे टाइप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको अब मैं एक मीम्स आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखना है किसी को घर बैठे जॉब चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये लड़की क्वेश्चन पूछ रही है किसी को घर बैठे जॉब चाहिए। यहाँ पे हम इसे बोल्ड भी कर सकते हैं या कुछ चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसी का ओके करके यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं। स्ट्रोक किस तरीके से देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रोक यहाँ से स्ट्रोक भी आप दे सकते हैं, देखिए फ़र्क दिखा, स्ट्रोक भी आप दे सकते हो। और दूसरा, अब वापस से हमें यहाँ जाना है, इंपोर्ट पे जाना है, और यहाँ से गैलरी में जाने के बाद वापस एक और PNG लेना है अपने को। वापस एक और PNG हमें लेना है, ये वाली PNG जो आपको पता है ये बहुत कॉमेडी होती है, बराबर ये हमेशा हंसता हुआ रहता है। ठीक है, अब इसे ये वाली PNG लेने के बाद यहाँ पे ऑफिस से जाना है, टेक्स्ट में हमें ऑफिस से लिखना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है क्या आप लॉकडाउन में भी जॉब देती हो। ठीक है, इस तरीके से क्या आप लॉकडाउन में भी जॉब देती हो। यहाँ पे जाके इसका साइज चेंज कर सकते हो आप, और बहुत सारी स्टाइल फाउंट वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप फाउंट चेंज कर सकते हो, देखिए यहाँ से मैंने फाउंट चेंज किया, फिर स्ट्रोक चेंज करने का, यहाँ से स्ट्रोक चेंज किया। ठीक है, देखिए क्या आप लॉकडाउन में भी जॉब देती हो। ठीक है, अब इसे देखो, ये दो चीज़ हो गई। ठीक है, और इसी तरीके से आप बहुत सारी अपनी PNG फाइल्स के थ्रू और बहुत ही पिक्सलैब के थ्रू आप कोई भी अच्छे बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, वो भी मैं बताता हूँ बैकग्राउंड भी किस तरीके। यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, ये कलर रख सकते हो, वाइट वाला कलर रख सकते हो। ठीक है,
ब्लू वाला कलर रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आके ये वाला कलर रख सकते हो, ये वाला कलर रख सकते हो, कोई भी अच्छा कलर यहाँ से। फिर उसे सेव किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ कि सेव किस तरीके से करना है। यहाँ पे ये ऑप्शन आता है सेव इमेज करके, यहाँ पे आके जेपीजी में, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं गैलरी में आपको बताता हूँ कि वो इमेज हम वो मैम्स हमारा सेव हो गया। देखो, देखा आपने, किसी को घर बैठे जॉब चाहिए कि आप लॉकडाउन में भी जॉब देती हो, इस तरीके। अब इसे आप पोस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे अच्छे अच्छे लाइक्स आप पा सकते हो। ये तो था थोड़ा सा एग्जांपल कि मैं, ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और शेयर और सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को आप ज़रूर कीजिए। थैंक यू।